भारत की नई एंटी शिप मिसाइल, आपको बता दें चीन उससे घबरा रहा है, पाकिस्तान के लिए तो वो काल के समान है। अरब सागर में इंडियन नेवी की तैयारियां कैसी हैं, सैटेलाइट डेटा डील कैसे ड्रैगन के ताबूत में आखिरी चील होगी कील होगी। इसके अलावा चीन पाकिस्तान की मात को से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। भारत ने लंबी दूरी तक मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। अरब सागर में INS प्रबल के जरिए ये एंटी शिप मिसाइल दागी गई, जिसने समुद्री जहाज को निशाना बनाया और डुबो दिया। इससे समंदर में चीन की दादागिरी पर अंकुश लगाने में काफी मदद मिलेगी। नेवी चीफ करमबीर सिंह ने अरब सागर में नौसेना की तैयारियों को परखा। नेवी की पूर्वी वेस्टर्न फ्लीट इस मौके पर एक्टिव नजर आई। नेवी चीफ ने INS विक्रमादित्य समेत कई जंगी जहाजों का दौरा किया। समंदर में चीन पाकिस्तान की हिमाकतों के मद्देनजर इंडियन नेवी की तैयारियां सॉलिड हैं। सैटेलाइट इमेज से पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। वर्षों से वीरान पड़ा मिनहान एयरफोर्स बेस फिर से एक्टिव हुआ है। इस एयरबेस पर नया अवाक्स डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। इंडियन फाइटर जेट्स पर निगरानी रखने के लिए पाकिस्तान ने अवाक्स की तैनाती की है। टिंग हाकना चीन की आदत बन गई है। अब फाइटर जेट JF-17 के जरिए चीन ने शेखी बघारी है। चीन की मीडिया ने JF-17 को ड्रैगन और पाकिस्तान की ज्वाइंट कामयाबी बताया। चीन का दावा है कि फोर्थ जनरेशन जेट JF-17 शानदार है। भारत अमेरिका की सैटेलाइट डेटा को लेकर मिलिट्री डील हो सकती है। सैटेलाइट डेटा से भारत चीन की मिसाइलों ड्रोन मूवमेंट और आर्मी डिप्लॉयमेंट पर नजर रख पाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा सचिव मार्क ओशो अगले हफ्ते भारत दौरा करेंगे। भारत और ताइवान के साथ टेंशन पर जिनपिंग अब सीधी धमकी पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर चीन को जबरन तोड़ने की कोशिश की गई तो ड्रैगन खाली हाथ नहीं बैठेगा, चीन के हितों को नुकसान पहुंचाने पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आखिरकार आतंकिस्तान पाकिस्तान के भाग्य का फैसला हो ही गया। एंटी टेरर इंटरनेशनल ग्रुप FATF ने एक बार फिर पाकिस्तान पर करारा प्रहार करते हुए उसे ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने से मना कर दिया है। बलूचिस्तान सिंध और POK में गृह युद्ध जैसे हालात होने से पाकिस्तान टूटने के कगार पर है। ऐसे में आवाम का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत ने कोई हिमाकत की तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की आतंकी फंडिंग पर NIA की चार्जशीट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बिटकॉइन के जरिए आतंकियों को फंडिंग हो रही है। भारत में पहली बार क्रिप्टो करेंसी के जरिए आतंकी फंडिंग का पता चला है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।